दोस्तों, गुड आइम सी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट पर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तो मजबूत करता ही, साथ साथ हमारी बॉडी से जो भी विषैले तत्व होते हैं उनको भी बाहर निकालने में हमारी मदद करता है या करता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एक कमाल के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि IMC का है, श्री हल्दी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए हमारे किचन में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। दोस्तों, की का सबसे अहम जो तत्व होता है हल्दी के अंदर, उसे हम करक्यूमिन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और करक्यूमिन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और यह सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तत्व होता है। अगर हम बात करें तो हल्दी के अंदर करक्यूमिन लमसम 2% ही पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ने का मतलब ये है कि 1 किलो हल्दी में 20 ग्राम करक्यूमिन ही होता है। इस करक्यूमिन के सेवन से आप अपने ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं और अपने शरीर में मौजूद जो विषैले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में ये हमारी मदद करता है। दोस्तों अगर IMC की श्री हल्दी की हम बात कर रहे हैं, IMC की श्री हल्दी ही खास इसलिए है क्योंकि IMC की श्री हल्दी के साथ में केसर और दालचीनी, इन दोनों का मिश्रण है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बात की हल्दी की, श्री हल्दी जो हमारी हल्दी है वो उसमें करक्यूमिन एक अहम पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और साथ साथ हमारे शरीर से जो विषैले तत्व होते हैं उनको निकालने में फ़ायदा करता है। उसके बाद बात करते हैं इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। केसर, केसर एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस इंग्रेडिएंट्स के अंदर कैंसर से लड़ने वाले गुण मौजूद होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं दालचीनी के बारे में। दालचीनी एक उच्च मात्रा का औषधीय एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम हल्दी के फ़ायदों के बारे में जानते हैं तो ये सर्दी खांसी कफ की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। किसी भी तरह की हृदय रोगी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो रही है, हार्ट अटैक की अगर आपको कोई समस्या के सामना करना पड़ रहा है, उन सभी से पहले से ही बचने के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी ये हमें बचने में सहायता करती है। बात करें डायबिटीज़ की तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसका सेवन से हमारे जो सुंदरता बढ़ती है, त्वचा संबंधित जो भी रोग होते हैं, झुर्रियाँ या इस तरीके से जो भी हमारे स्किन पर होने वाले रोग होते हैं उनसे बचाने में हमारा ये सहयोग करती है। और रात में सोने से पहले अगर इसका सेवन आप करते हैं तो आपको ये गहरी और अच्छी नींद देती है। सुबह खाली पेट अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका जो फैटी पार्ट होता है उसे भी कम करने में ये सहायता करती है, जैसे कि मोटापे की समस्या को भी कम करती है। पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कि पेट में आपके अपच है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको, या पेट में आपको गैस ज़्यादा होती है, या पेट में दर्द इत्यादि में ये फायदा करती है। मुंह के छाले होने पर गुनगुने पानी के साथ 2 बूंद डालकर कुल्ला कर सकते हैं आप, आपको उसमें आराम मिलेगा। इसके सेवन से 2 मासिक दिनों में होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है। यह गठिया रोग, लीवर संबंधी और दमा, इन मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। इसकी 1 बूंद रोजाना टूथपेस्ट में मिलाकर दांत साफ करने से दांतों को रोगों से मुक्ति मिलेगी और दांत मजबूत और सफ़ेद भी बनेंगे, यानी कि आपके दांतों के लिए भी फायदेमंद है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। श्री हल्दी की 4 बूंदें 100 ml पानी या दूध में मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की दी हुई जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो के बारे में कमेंट करें और आने वाली वीडियो या अपनी मन पसंदीदा वीडियो के टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड IMC, हैव अ नाइस डे।